हेलो फूडीज़, वेलकम टू आसिफा कोसर्स किचन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन टिक्का बिरयानी बनाना। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। अब मैं उसमें 2 tablespoons कर्ड ऐड की हूँ, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर का लिया है, अब मैं उसको इसमें डालूँगी, 1/4 teaspoon मैंने टर्मरिक का लिया है, 1 teaspoon मैंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1/4 teaspoon मैंने गरम मसाला लिया है, 1 tablespoon मैंने टिक्का मसाला लिया है, 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 lemon लिया है, मैं अभी उसका जूस इसमें डालूँगी। जूस डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला चिकन पर अच्छे से कोट हो जाए। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथ से। अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद अब हमारा चिकन तैयार है। एक कढ़ाई में मैं 4 tablespoon ऑयल लूँगी। ऑयल गरम होने के बाद मैं उसमें चिकन के पीसेस रख रही हूँ। चिकन के पीसेस डालने के बाद हमें थोड़ी देर इसको नहीं पलटाना है। 5 मिनट के बाद हम इसको पलटा कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। देखिए, इसको वन साइड से मैंने पलट लिया है और कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप चाहे तो जब आप चिकन मैरिनेशन करते हैं तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड नहीं किया है, मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया था तो उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया कलर आया है। चिकन दोनों तरफ से पकने के बाद अब मैं उसको निकाल रही हूँ। इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अब मैं इसको डायरेक्ट आग पर थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक जाली रखी हुई है, उस पर मैं चिकन के पीसेस रख रही हूँ। चिकन के पीसेस रखने के बाद उस पर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, इसकी वजह से चिकन में अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। ये देखिए कितना जूसी चिकन टिक्का बनकर तैयार है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। पानी को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने होल गरम मसाला, 2 tablespoon नमक, कुछ बूंदे घी और नींबू के मैंने डाल दिए हैं। दूसरी तरफ अब हम ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 4 tablespoon तेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर हम इसको भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें तली हुई और हाथ से क्रश की हुई प्याज डालूँगी। मैंने प्याज को पहले ही तल कर रख लिया था। आप अगर चाहें तो पहले प्याज तल लें, फिर उसी में जिंजर गार्लिक पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। प्याज को मैं पहले इसलिए तलती हूँ कि उसे बिरयानी बनाने में मुझे आसानी होती है। मैं 3 टमाटर ली थी तो उसकी भी मैंने प्यूरी बनाकर इसमें अभी डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसको भूनने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1/4 teaspoon टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ, 1 teaspoon क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 teaspoon मैंने गरम मसाला लिया है उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है।
रेड चिल्ली पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लेकर अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमें मसाला अच्छे से भूनना है ताकि इसमें से रॉ स्मेल निकल जाए। मसाला अच्छे से भून रहा है और ये साइड से तेल भी छोड़ रहा है। अब मैं इसमें 3/4 कप अच्छे से फेंटा हुआ दही इसमें ऐड करूँगी। दही को पहले अच्छे से फेंट लेना बहुत ज़रूरी है, वरना दही फट जाएगा। जब तक हमारा ये मसाला अच्छे से पकेगा, इसी बीच मैं कोथिंबीर और पुदीने को काट लूँगी। ग्रेवी हमारी पक गई है, अब मैं इसमें कटा हुआ पुदीना और कोथिंबीर ऐड करूँगी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कोथिंबीर और पुदीना इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इससे बिरयानी में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। कोथिंबीर पुदीना डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इसी बीच हमारा पानी उबल रहा है। चावल को मैंने सोख करके रखा था, अब उसको मैं उबलते हुए पानी में चावल डाल रही हूँ। चावल को हमें सिर्फ 80% तक ही पकाना है, बाकी 20% हमारे चावल दम में पकेंगे। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से हो गई है, अब मैं इसमें हमारे चिकन टिक्का इसमें डालूँगी। एक बार इसको मिक्स करके ढक कर 1 मिनट के लिए इसको पका लूँगी, ताकि मसाला और सारे फ्लेवर्स ये अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको ढककर पका लूँगी। हमारे चावल भी पक गए हैं। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम्स चावल लिए थे। चावल का पानी मैंने निथार लिया है। अभी पहली लेयर हम चावल की लगाएंगे। चावल की लेयर मैं लगा रही हूँ नीचे। अब उसके ऊपर हम चिकन टिक्का मसाला जो हमने बनाया था उसको मैं डाल रही हूँ। चिकन टिक्का मसाला की लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने कोथिंबीर डाला है, पुदीना डाला है, फिर चावल की मैंने परत लगाई है, और यही प्रोसेस मैं रिपीट करती जा रही हूँ। बचा हुआ चिकन टिक्का को भी मैं उसकी लेयर रख रही हूँ। उसके ऊपर मैंने कटे हुए हरी मिर्ची डाल दी है, उस पर कोथिंबीर, पुदीना, तली हुई प्याज, घी और कुछ बूंदे रंग की जिसको मैंने दूध में मिक्स कर लिया था उसको इस पर डालूँगी। मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। अभी सबसे ऊपर हम बचे हुए चावल की लेयर लगाएंगे। जो चावल बच गए थे उसकी मैं फाइनल लेयर लगा रही हूँ। फाइनल लेयर लगाने के बाद मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। उसके ऊपर कटा हुआ पुदीना और कोथिंबीर, फूड कलर और तली हुई प्याज मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी। गार्निशिंग करने के बाद हमें इसको दम पे रखना है। दम पे रखने के लिए मैं एक तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तवा को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया था, उस पर मैंने अपना पतीला रख दिया है। सबसे पहले 10 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, फिर 10 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसके चावल भी कितने खिले खिले बने हुए हैं और चिकन भी कितना जूसी लग रहा है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।